सबसे एक मार्मिक और हार्दिक अपील है कि आपने देखा कि अभी दो दुर्घटनाएं कानपुर नगर में बड़ी दुर्घटनाएं घटी, इसमें से कि बड़े पैमाने पर जनहानि हुई, छोटे छोटे बच्चे महिलाएं इस अस्मैक काल का अवनीत हो गए। एक छोटी सी भूल और यातायात के नियमों को न मानने की एक छोटी सी भूल ने कितनी जिंदगियों को समय से पहले हमसे छीन लिया। मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप सभी लोग स्वयं यातायात के सभी नियमों का पालन करें और साथ में अपने भाई, अपने बहन, अपने माता, अपने पिता, अपने मित्र, अपने चाचा सबको यातायात के नियमों के पालन के लिए आग्रह करें। अब हमको अपनी जड़ता तोड़कर आगे आना होगा और न केवल स्वयं पालन करना पड़ेगा नियमों का, बल्कि हमारे अगल बगल हमारे इष्ट मित्र जो हैं उन सबको हमको यातायात के नियमों का पालन कराना पड़ेगा। परिवहन विभाग लगातार इस संदर्भ में जागरूकता के प्रयास करता रहा है। 2 अक्टूबर को भी हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ बड़े पैमाने पर सड़क सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग ने भी इसमें अपना अग्रणीय योगदान दिया। जगह जगह प्रभात फेरी और रैलियाँ निकाली गईं बच्चों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा। हम इसके बाद अगले हफ्ते से हम लोग एक बृहद कार्यक्रम फिर शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि जितने भी हमारे अन्य विभाग हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, इन सबको सहयोग लेकर के, साथ में जो अन्य NGO हैं उनका सहयोग लेकर के और अपने मीडिया के सभी सहयोगों से लेकर के इस कार्यक्रम को, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम को हम लोग बड़े पैमाने पर मनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं बड़े पैमाने पर लोगों को जागृत किया जाए, इससे जोड़ा जाए। हम लोग इस अभियान को नगरों तक ही नहीं सीमित रखेंगे, बल्कि गाँव तक, ग्राम सभाओं तक और पूर्वों तक और गलियों तक इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे। थैंक यू। जो घाटमपुर के पास ट्रैक्टर ट्राली पलटने से दुर्घटना हुई और उसमें 26 लोगों के जो मृत्यु हुई, उसका बहुत दुख है हम लोगों को। हम पूरे प्रदेश के मोटर व्यवसायियों की तरफ से यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उनके प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है और इस शोक की घड़ी में हम ये कहना चाहेंगे कि जो विभाग द्वारा कायदे कानून नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों के अनुसार सबको चलना चाहिए और ट्रैक्टर ट्राली वगैरह में बिल्कुल जो है सवारी भीड़ होनी चाहिए। अभी कल भी एक दुर्घटना इरवा चकेरी में हाईवे पे हुई है जिसमें 4 लोग लोडर में मारे गए हैं। तो मैं एक तो सबसे पहली अपील पूरे प्रदेश की जनता से करना चाहूँगा कि कम से कम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी अगर आप यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, तो दिन की रोशनी में करें, क्योंकि जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं रात के अंधेरे में होती हैं। कोई रात को 2 बजे निकलता है, कोई रात को 3 बजे निकलता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये है और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि प्रयास यही रखें कि आप जब भी कहीं परिवार के साथ जा रहे हैं तो हमेशा दिन की रोशनी में सफ़र करें, उससे आप सकुशल अपने गंतव्य पर पहुँच सकेंगे। और जो सरकार द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा कायदे कानून नियम बनाए गए हैं उन सबका पालन सुनिश्चित करें, क्योंकि ये जीवन अमूल्य है, अपने जीवन को इस तरीके से ना खोएं। बड़ा कष्ट होता है जब सुनने में आता है कि एक एक परिवार के 4 लोग चले गए, 6 लोग चले गए, 8 लोग चले गए, तो ऐसे अपने जीवन को ना खोएं और अपने जीवन की सुरक्षा करें। सर, नगरवासियों को क्या शुभकामना? दूसरा, जो अभी दशहरा और दीपावली का त्यौहार आ रहा है, हम अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को इन त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उनको दशहरा पे जो बुराई पे अच्छाई की जीत है और दीपावली पे जो दियों का और हमारे भगवान राम के घर आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उत्सव, उस उत्सव को बड़ी शान से, शौक से और पूरे जोश से मनाएं और अपने साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा का भी ख्याल रखें कि जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो पाए और सब अपने अच्छे से उस प्रोग्राम को, उस त्यौहार को मनाएं। उसके लिए हमारी समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं।